السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون او اسی طرح हमने आपकी طرف किताब نازل فرمائی پس جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ان میں کچھ وہ لوگ بھی जो उस पर ईमान रखते हैं और हमारी आयतों का काफिर ही इनकार करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से खिताब किया कि हमने ये किताब आपकी तरफ उतारी और इस किताब पर ईमान लाने वाले भी मौजूद है आपके साथ इसका इनकार करने वाले भी मौजूद है आपके समाज और माशरे के अंदर तो ईमान लाने वाले भी मौजूद हैं मुनकरिन भी मौजूद हैं लेकिन ये किताब हमारी नाजिल शुदा है तो इस आयत में जो आयत नंबर सैतालीस सूरह अलन कबूत की चंद बड़े अहम मसाइल हमें बताए गए पहला मसला के कुरान मुनजल मिन अल्ला है अल्लाह ने कुरान को उतारा है आसमान से फिर फरमाए की अल्दीन आत आत जिनको हमने किताब दी है वो इस पर ईमान रखते हैं यानी किताब तौरत वाले में से कुछ लोग ऐसे है जो इस पर ईमान रखते हैं और इसकी तफसीर में बादज मुफ्सरीन ने अब्दुल्ला बिन सलाम का जिक्र किया कि उनके पास किताब का इल्म था और कुरान पाने के बाद वो कुरान पर ईमान रखते थे और नजाशी का जिक्र किया है कि नजाशी भी साहब किताब था वो भी कुरान पर ईमान रखता था सलमान फारसी रजी अल्लाह त वो भी इस्लाम पर नहीं थे वो भी किताब पर ईमान रखते थे तो तीन किस्म के लोगों का जिक्र किया किताब नाजिल करने के बाद पहली यहूद का जिक्र किया बिन सलाम यहूद के बड़े आलिम थे नजाशी ईसाई था और सलमान फारसी ईरान में जो भी मजहब आग पूजने का और ईरान से आए हुए थे लेकिन इन तमाम के दिलों को अल्लाह ने खोल दिया कि किताब नाजिल होने से पहले ये दूसरी किताबें पढ़ते थे कोई तौरत पढ़ रहा है कोई इंजील पढ़ रहा है कोई अपना अंदाज में जी रहा है लेकिन कुरान मिला तो अल्लाह ने इस कुरान के जरिए उनके दिलों को मुनवर किया फल न आते नमुल यानी आम लोग भी इस पर ईमान रखते हैं और अहले किताब के कुछ लोग भी इस किताब पर ईमान रखते हैं ये इस किताब की खूबी है और तीसरा जो मसला बयान किया गया कि की वमादेत न अब इस किताब की सच्चाई वाज हो गई मोमिन ईमान लाए आपके साथी ईमान लाए यहूद ईमान लाए नसारा लाए परस्त लाए लेकिन अब कौन इसका मुनकिर है इसका मुनकिर जो काफिर है वही इसका मुनकिर है जदया तेनाल का काफिरून तो काफिर ही इसकी आयतों का इनकार करते हैं यानी कुरान करीम की आयतों का इनकार करने वाला आयतों को झुठलाने वाला ये मोमिन नहीं हो सकता ये काफिर होगा आज भी कुरान पर एतराज करने वाले या कुरान के बारे में अपनी राय देने वाले या भी मलून ने जिसने कुरान की छब्बीस आयतों पर एतराज किया कि निकाल दिया जाए अल्लाह उस पर अपनी लानत बरसाए जिसने सहाबा के बारे में गलीज कस्म के अकायद भी बयान किए ऐसी सूरत में जो भी कुरान पर गुफ्तगु करे उसकी सेहत में शुभा करे उस पर ईमान न लाए तो वो खुद मोमिन नहीं है नहीं वो काफिर है खुला हुआ काफिर है तो इन आयतों में ये मसायल बयान किए गए जो इस आयत में बताया गया कि यानी कुरान जब नाजिल हुआ तो कुछ कुरैश के लोग भी थे जो इस पर ईमान रखते थे यूद रखते थे न रखते थे अशराफ कुरैश भी कुरान पर ईमान लाए थे किसी ने फौरन ईमान जाहिर किया किसी ने बाद में ईमान को जाहिर किया लेकिन वो बद नसीब जो अपने ईमान का सौदा कर लिए या ईमान लाए नहीं या जाहरी तौर से ईमान को पेश किए अंदर से काफिर थे जैसे कि मुनाफिक तो अल्लाह ने उन तमाम का जिक्र किया कि की जदब इल्लल काफिरून हमारी आयतों का इनकार तो सिर्फ काफिर ही करते हैं वमा कुत्त बमीन का इदल ये किताब जो हमने उतारा है जिसको नेमत के तौर पे पाके कुछ अले किताब ने भी ईमान लाए कुछ मुश्तकिन भी कुछ यहूद भी कुछ नजारा भी और जो बचे ईमान न लाने वाले वो तो खुले हुए काफिर थे इसको ऐसा नहीं कि आप नाजिल होने से पहले से पढ़ रहे हैं, या अपने हाथों से लिख रहे हैं, बादतिल परस्त सुबह भी पढ़ जाएंगे अगर आप कुरान को पहले से लिखने पढ़ने का इनको रवायत दे दे तो ऐसा गैर मसलूक अमल कि इकरा से पहले एक आयत भी आपको नहीं पता थी न मालूम था एक आयत के बारे में आयत के नजूर के बाद जब तबलीग का हुक्म दिया गया तब आपने लोगों को बताया वरना कहा कि इधर की अगर वो इस चीज को देख ले कि आप पहले से बता रहे अगर ये सिलसिला पहले शुरू हो जाता तब तो शुभ में पड़ जाते तो अल्लाह के रसुल्लाम की अम्मीयत का इस आयत में जिक्र किया गया और कि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे पूरा कुरान जो नाजिल हुआ अल्लाह ने अपने फरिश्ते ज़िब्बल के जरिए इस कुरान को नाजिल फरमाया और ये कुरान से पहले खुद हमारे नबी इसकी एक आयत के बारे में भी नहीं जानते थे पहली आयत इकरा और पहली हदीस मा बिकारी जब जिमले अमीर ने कहा पढ़िए इकरा ये पहली आयत है तो आपने कहा माँ अना बेकार मैं पढ़ना नहीं जानता या पढ़ा नहीं हूँ यही जबान मुबारक से निकली हुई पहली हदीस है यानी इससे पहले कुरान का कहीं जिक्र ही नहीं मौजूद है और बातिल के अंदर जितने भी शुभहात आ सकते हैं उन तमाम शुभहात का इजाला जैसे लोग कहते हैं कुरान को फला साहब ने लिखा कुरान को मोहम्मद ने लिखा या मुश्किन कहते थे कि आपको कोई सिखाता है जादूगर या जिन सिखाता है तो तमाम शुभात का अल्लाह ताला ने इजाला कर दिया कि बातिल किसी तरह के शुभे में न पड़े ये कुरान अल्लाह है अल्लाह की पाकिजा किताब है इस पर ईमान लाना ये शादत की निशानी है इस पर ईमान न लाना ये बदबखती की निशानी है हाँ इस कुरान की अगर कोई बात किसी तक न पहुंची हो और फिर उससे आप कोई गुफ्तु करें तो उससे आपके गुफ्तु के अंदाज़ में थोड़ा सा नरमी होनी चाहिए कि भाई देखो आपको शायद ये कुरान की आयत न पहुँचू ये मसला इस तरह से है इस तरह से है यानी समझाने का अंदाज आपका अवाम और सामयीन को देख करके होना चाहिए ये उसलूब होना चाहिए और जितने भी लोग दुनिया में मौजूद हैं अगर कुरान के बगैर वह जिंदगी गुजारना चाहें तो जिल्लत के सिवा कोई चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी इसीलिए कहा गया कि वो जमाने में मुज्जस थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए वो कुरान होकर इन अल्लाह बेहद अल्लाह इस किताब के जरिए कौमों को बुलंदी देता है इसकी नाकदरी करने वालों को जिल्लत देता है तो ये किताब एक हिदायत का पैगाम तरक्की का पैगाम बुलंदी का पैगाम है और ये किताब सारे शुभ का इजाला भी करने वाली किताब है और अल्लाह इस हकीकत से भी वाकिफ़ था कि वो इल्ज़ाम लगाते थे कि इन्हें कुरान कोई सिखाता है लमयद ल मुबेन बड़ी फसाहत के साथ वजाहत के साथ तमाम बातल नज़रियात की तरदीद की गई अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कुरान पर हमारा ईमान मजबूत फरमाए इसके बारे में सारे शकुक को शुभ जो समाज माशरे में फैले हैं या इसकी बाज़ आयतों के बारे में फैलाए जा रहे हैं अल्लाह उन शकूक का हमें इजाला करने की तोीक़ और ईमान की पुख्तगी और सलामती फरमाए आमीन वसल नबी महम्मही वस अजमैन नाजर कराम आपकी मोहब्बत का शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रहिये इसके बाद इन शाह कुरान के एजाज पर गुफ्तू होगी आयत नंबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जब तक के लिए इजाजत दीजिए असल वरम्ला समाज से बुराई मिटाने में आई प्लस टीवी की मदद करें अपना ताउन ऑनलाइन ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें